जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं रिकाल्बिट IM इंजेक्शन के बारे में। इसको कब, कैसे और क्यों इस्तेमाल करना चाहिए, इसको इस्तेमाल करने के बाद इसका क्या क्या बेनिफिट होगा, इसका क्या डोज होगा और इसका क्या साइड इफेक्ट होगा। और हाँ, ये जो रिकाल्बिट IM इंजेक्शन आप लोग देख रहे हैं, इसको यूज करने का सही उम्र क्या होता है, कैसे पेशेंट में यानी कि किस परिस्थितियों में इस रिकाल्बिट IM इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है, ये सारी जानकारी आज हम इस वीडियो में देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना रुकावट के हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और जानकारी प्राप्त कर लेते हैं इस रिकाल्बिट IM इंजेक्शन के बारे में। सबसे पहले आप लोग ध्यान देंगे कि ये जो रिकाल्बिट IM इंजेक्शन आप लोग देख रहे हैं, यह 15 ml का भाल आता है जो कि बिरानी फार्मास्यूटिकल कंपनी का आता है और यह काफ़ी ब्रांडेड इंजेक्शन है। और यह इंजेक्शन आप लोगों को किसी भी मेडिकल स्टोरों पर आसानी तरीका से मिल जाएगा। इसमें 15 ml का भाल आता है जिसका कंपोजिशन आप लोगों को कुछ इस प्रकार देखने को मिल सकता है, जैसे कि कैल्शियम, विटामिन B12 एंड विटामिन D3। तो आप लोग ध्यान देंगे कि इस रिकाल्बिट IM इंजेक्शन का काम कुछ इस प्रकार आप लोगों को देखने को मिल सकता है। जैसे कि ह्यूमन बॉडी में यानी कि मनुष्य के शरीर में अगर विटामिन B12 की कमी हो जाए तो उस दौरान आप लोग आसानी तरीका से इस रिकाल्बिट IM इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं, या फिर कैल्शियम के नॉर्मल यानी कि सामान्य स्तर को पूरा करने के लिए भी इस रिकाल्बिट इंजेक्शन का उपयोग आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें D3 और कैल्शियम दोनों मिला हुआ है। इसीलिए इसमें कैल्शियम की कमी अगर मनुष्य के शरीर में बुझाए तो आप लोग आसानी तरीका से इस रिकाल्बिट इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। सूखा रोग के लिए भी मरीजों में इस रिकाल्बिट IM इंजेक्शन का उपयोग आसानी तरीका से आप लोग कर सकते हैं, या फिर फास्फोरस लेवल को मेंटेनेंस करने के लिए भी इस रिकाल्बिट IM इंजेक्शन का उपयोग आप लोग आसानी तरीका से मनुष्य के शरीर में कर सकते हैं, या फिर अस्थिम रद्दता के लिए भी इस रिकाल्बिट IM इंजेक्शन का उपयोग आप लोग आसानी तरीका से कर सकते हैं मनुष्य के शरीर में। और एक बात ध्यान देने वाली बात यह है कि कैसे हम लोग पता करेंगे कि हमको विटामिन D3 की कमी है, या फिर हम कैसे महसूस करेंगे कि हमारे शरीर में विटामिन D3 की समस्या है। तो आप लोग ध्यान देंगे कि अगर कुछ इस प्रकार की समस्या आप लोगों को देखने को मिल सकता है, विटामिन D3 की कमी आप लोगों के शरीर में बुझाए, तो जैसे कि टेंशन, या फिर एंजाइटी, या फिर सुस्ती, या फिर काम में मन न लगना, उस दौरान आप लोग इस विटामिन D3 यानी कि रिकाल्बिट IM इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। या फिर आप लोग कई मनुष्यों के आप लोग देखते होइएगा कि वो ज़्यादा धूप में वर्क नहीं करते हैं, तो उसको भी विटामिन D3 की कमी महसूस हो सकती है, तो उसको भी कंट्रोल करने के लिए इस रिकाल्बिट IM इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। और उसमें सेराटोनिन हार्मोन रिलीज करने के लिए उपयोग किया जाता है। जब शरीर में सेराटोनिन हार्मोन रिलीज होता है तो विटामिन D3 की कमी को पूरा करता है यह रिकाल्बिट IM इंजेक्शन। कई बार आप लोग यह भी देखे होंगे कि यह जो रिकाल्बिट इंजेक्शन है, रिकाल्बिट IM इंजेक्शन है, यह दर्दों में भी उपयोग किया जाता है। जैसे कि कुछ इस प्रकार के दर्दों में आप लोग आसानी तरीका से इस रिकाल्बिट IM इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। मांसपेशियों का दर्द, जोड़ों का दर्द, हड्डी में दर्द, घुटनों के दर्द एंड ऑल टाइप इसी प्रकार के अगर दर्द हो मनुष्य के शरीर में, या फिर कैल्शियम के कारण कमर में दर्द, या फिर घुटना में दर्द, या शरीर के किसी भी प्रकार के बॉडी में ज्वाइंट पेन के दर्द के लिए आप लोग इस रिकाल्बिट IM इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, मांसपेशियों का दर्द, जोड़ों का दर्द, या फिर हड्डी में दर्द, घुटनों में दर्द, इसी प्रकार की समस्या अगर महिलाओं में दिखे तो महिलाओं को बाल झड़ने की भी समस्या हो सकती है। मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो रिकाल्बिट IM इंजेक्शन है, मोटे मोटे तौर पे पैरालिसिस वाले मरीजों में भी उपयोग किया जाता है। इसके साथ साथ एक ट्राइन्यूरोसोल HB इंजेक्शन आता है, वो भी इसके साथ साथ यूज किए जाते हैं, तो मरीज कुछ ज़्यादा ही जल्दी कंट्रोल हो जाते हैं पैरालिसिस वाले मरीज। तो मैं ये जो ट्राइन्यूरोसोल HP इंजेक्शन है, इसके बारे में मैं अलग से एक वीडियो आप लोगों को अच्छी तरीका से सेपरेट तरीका से बना दूंगा। फिलहाल आप लोग इसके ऊपर ध्यान देंगे, रिकाल्बिट IM इंजेक्शन के ऊपर, ये आप लोग पैरालिसिस वाले मरीजों में भी उपयोग में ला सकते हैं, जिसको हम लोग लकवा कहते हैं। लकवा अगर गाँव घर में मार देता है किसी रोगों को, तो आप लोग आसानी तरीका से इस रिकाल्बिट इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। अब हम लोग कुछ सेफ्टी के ऊपर बात कर लेते हैं, यानी कि जब इस इंजेक्शन को उपयोग करेंगे तो कैसे मरीज को उपयोग करना होगा, कैसे मरीज को उपयोग नहीं करना होगा। तो आप लोग ध्यान देंगे कि ये जो रिकाल्बिट IM इंजेक्शन है, ये वैसे मरीजों में उपयोग नहीं करें जो मरीज यानी कि महिला डिलीवरी से हो, या फिर कोई भी रोगी किडनी की समस्या वाले रोगी में हो, या फिर उस रोगी को या फिर अन्य रोगी को आँत में सूजन हो, या फिर आँत की कोई समस्या हो यानी कि पेट के अंदर कोई समस्या हो, या फिर किडनी की समस्या हो, या फिर वैसे महिला जो डिलीवरी से हो, उस महिलाओं में इस रिकाल्बिट IM इंजेक्शन का उपयोग भूलकर भी नहीं करें। इस इंजेक्शन का उपयोग सिर्फ मांस में किया जाता है, यानी कि इसमें लिखा हुआ है रिकाल्बिट IM यानी कि इंट्रा मस्कुलर। इस इंजेक्शन को सिर्फ आप लोग मांस के द्वारा ही रोगी के शरीर में उपयोग कर सकते हैं, जिसको हम लोग बैक साइड कहते हैं, ठीक है। बैक साइड आप लोग आसानी तरीके से यूज कर सकते हैं। इसको नस के द्वारा कभी भी भूलकर नहीं देना चाहिए।
इसको सिर्फ मांस में ही यूज करना चाहिए, वो भी पेशेंट के ज़रूरत के हिसाब से। अगर आप लोग देख रहे होंगे कि रोगी को अगर ज़्यादा दिक्कत बुझा रहा है, दर्द की महसूस ज़्यादा हो रहा है, या फिर पैरालिसिस के लक्षण आप लोगों को ज़्यादा दिख रहा है, तो आप लोग इस इंजेक्शन को डेली 2 ml यानी कि एक सिरिंज में 2 ml निकाल कर डेली यूज कर देना होता है मरीजों के लिए। अगर वही मरीज में थोड़ा बहुत कमी हो या फिर ज़्यादा कमी नहीं बुझाए मरीजों में, तो आप लोग 2 ml एक दिन बीट करके भी इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम दिखे तो आप लोग डेली 2 ml यूज कर सकते हैं मरीजों में सिरिकाल्बिट IM इंजेक्शन को। अब हम बात कर लेते हैं इसके साइड इफेक्ट के ऊपर। इसका साइड इफेक्ट मरीजों के शरीर में कुछ इस प्रकार देखने को मिल सकता है, जैसे कि उल्टी होना, चकत्ते होना, या फिर चक्कर आना, या फिर कैल्शियम के स्तर में कम या ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर सेरोटोनिन हार्मोन की रिलीज में प्रॉब्लम आ सकती है। आशा करता हूं दोस्तों आप लोगों को इस वीडियो में इस सिरिकाल्बिट IM इंजेक्शन के बारे में इसका यूजेज, इसका डोज और इसके बेनिफिट्स आप लोगों को अच्छी तरीके से पता चल गया होगा। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके एक बार जरूर बताएं।